हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इन वीडियोस को देखो। पाकिस्तान में ये भगदड़ सिर्फ आटे की एक बोरी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एक किलो आटे की कीमत 3,000 रुपए हो चुकी है और लोग एक बोरी के लिए एक दूसरे को गटर में ढकेलने तक तैयार हैं। आटा छोड़ो, पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 रुपए हो चुकी है और पाकिस्तानी लिटरली प्लास्टिक की थालियों में गैस भर भर के घर लेके जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली इस सब के बीच में इंडिया के लिए गुड न्यूज है, और वो भी फ्रॉम POK, क्योंकि आज पाकिस्तानी रुपी टूटते तारे के जैसे तेजी से गिरते जा रहा है। और पाकिस्तान की इसी क्रिटिकल हालत को देखने के बाद अब POK सिटीजंस भारत से जुड़ना चाहते हैं। POK में आई एंटी पाकिस्तान वेव आज इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि जहां अब तक एंटी इंडिया के नारे लगाए जाते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो अब बदलकर प्रो इंडिया हो चुके हैं, जैसे कि ये कारगिल करतूत खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वेल फ्रेंड्स, POK एक्टिविस्ट अमजद आयुब मिर्जा का ये कहना है कि POK में रहने वाले लोग जिस अम्बिलिकल कॉर्ड से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, वो अब पूरी तरीके से टूट चुका है। और POK में अब ऐसी एक भी सिटी नहीं है जहां पर लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो। एंड इट्स नो सरप्राइज, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने POK रीजन में रातों रात आटे का दाम 1200 रुपए से बढ़ा दिया और साथ ही वहां पर स्थित आटे के डिपोज पर भी ताला लगा दिया। अब इसका रीजन शॉर्टेज था या फिर सरकार बचा खुचा माल पाकिस्तान मेनलैंड में यूटिलाइज करना चाहती थी, ये बता पाना मुश्किल है। पर इतना जरूर तय है कि POK वासियों को ये आटा हजम नहीं हो रहा है और पाकिस्तान अपनी गलतियों को समझ चुका है। अभी हाल ही में खुद पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ 3 जंगें लड़ी है, पर उसे बदले में बर्बादी, गरीबी और बेरोजगारी के अलावा और कुछ नहीं मिला, और इसीलिए अब वो इंडिया के साथ बैठकर कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहते हैं। सो अब सवाल यह आता है कि क्या POK फाइनली और राइटफुली वापस इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। वेल, दिस इज डेफिनेटली फ्रेंड्स समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बट फिलहाल कंटिन्यू करते हैं कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है कि शहबाज शरीफ को आके ये बात करना पड़ गया। सो जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, वहां पर कुकिंग गैस थैलियों में मिल रहा है, क्योंकि सिलेंडर में गैस खरीदने के लिए 10,000 रुपए लोगों के पास नहीं है। तेल का रेट 480 रुपए पर लीटर हो गया है और घी का 250 रुपए पर किलो। वेल, इस स्पीड से बढ़ती कीमत का रीजन है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन। अब इसके अलावा पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट 115% पर है, यानी कि पाकिस्तानी सरकार जितना कमा रही है उससे 115% ज्यादा खर्च कर रही है, लिटरली डबल। अब इस खर्चे के लिए पैसा कहां से आ रहा है? वेल, यू विल बी शॉक्ड टू नो, बट पाकिस्तान के GDP का 78% तो लोन ही है, और ये कोई नई बात भी नहीं है। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान का लोन रेट 1500% से बढ़ चुका है, मतलब असल में अब तक देश का गुजारा बस लोन्स पर ही हो रहा है। इनफैक्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर अगर किसी ने पाकिस्तान की मदद नहीं की तो इकोनॉमी खत्म हो सकती है, क्योंकि मामला इतना बदतर हो चुका है कि पाकिस्तान का फोरेक्स रिजर्व, यानी वो डॉलर रिजर्व जो कोई भी देश बाहर से जरूरी चीजें जैसे ऑयल, फूड एक्सेट्रा खरीदने के लिए यूज करता है, वो सिर्फ और सिर्फ $4 से $5 बिलियन ही बचा है। यस, इतना कम रिजर्व पाकिस्तान जैसे कंट्री का। अब ये देखकर एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में 3.5% से स्लो हो जाएगी, और इससे पाकिस्तान का एक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना तो बहुत दूर की बात। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स के हिसाब से 2050 तक पाकिस्तान की GDP 18 से 19% तक गिर जाएगी। अब फ्रेंड्स, ये देखकर मे भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों एक देश इंडिया जैसा डेवलपमेंट के रास्ते में चल रहा है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज है बट कुछ पाकिस्तान जैसे भी देश है। आखिर कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसफॉर्म होती है? वेल, ये प्रोसेस आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन असल में इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इसके लिए आपको कोई मोटी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एक सिंपल सा इजी टू अंडरस्टैंड ऑडियो बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इसको सुन सकते हो कुकू FM प्लेटफॉर्म पर। यह बुक आपको बताएगी डेवलप कंट्रीज में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इनकम इनइक्वालिटी का मामला कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक कंट्री फाइनली डेवलप कंट्री कैसे बनती है। बहुत सी जानकारी मिलेगी। मेरे लिए सबसे आई ओपनिंग चैप्टर था ग्रोथ इल्यूजन का, जो कि एक रियलिटी है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बताती है कि असल में तरक्की हो रही है, लेकिन असल में बात कुछ और ही होता है। और फ्रेंड्स, थैंक्स टू कुकू FM इस बुक को आप सुन सकते हो 2 रुपए से भी कम में, और ऐसे ही 10,000+ ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो। कुकू FM पर 2.3 मिलियन+ पेड एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं मेरी तरह, जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑडियोबुक्स को सुनते हैं, और इनके अमेजिंग फीचर्स जैसे स्लीप टाइमर, जहां मैं स्लीप टाइमर सेट कर सकता हूं ताकि अगर नींद भी आ जाए तो भी ऑडियोबुक अपने आप बंद हो जाएगी और फिर से वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। तो देर किस बात की है फ्रेंड्स, अभी चल रहा है एक वंडरफुल रिपब्लिक डे का ऑफर, अप पाओ डिस्काउंट 60% ऑफ फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पर। कूपन कोड यूज करो FREEDOM60 और अपने फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 39 रुपीज में लाओ। हरी अप, ये ऑफर सिर्फ 29 जनवरी तक ही वैलिड है।
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और हमारे देश में तो बिलियनर्स ऐसे हैं जिनका करंट नेटवर्थ इससे 25 गुना ज्यादा है। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी किस कदर तक आ पहुंची है वो हम इस खचाखच भरे स्टेडियम से ही पता लगा सकते। ये भीड़ किसी मैच के लिए नहीं है, बल्कि ये सब नौकरी मिलने की उम्मीद में गवर्नमेंट एग्जाम देने बैठे हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, क्योंकि पाकिस्तान के आज 31% नौजवान अनएम्प्लॉयड है। तो वेल, ऐसी सिचुएशन में सरकार का क्या सलूशन है? वेल, सभी मार्केट्स और मॉल्स रात के 8:30 बजे तक बंद हो जाएंगे और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक। यहाँ तक कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम करेंगे और जो भी इमरजेंसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ डेलाइट में ही होगा, क्योंकि सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इंक्रीज कर दिए हैं। आज पाकिस्तान को पर यूनिट के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, जो कुछ ही साल पहले 3 रुपए हुआ करते थे। अब इसे ऐसे समझो कि अगर आप सिर्फ एक बल्ब को 1 घंटे तक ऑन रखोगे तो 1 यूनिट यूज हो गया, मतलब 20 रुपए आपके खर्च हो गए। अभी हालत इतनी खराब हो चुकी है ना कि अगर आप अपने घर के सारे लाइट्स को बस एक दिन के लिए भी ऑन रखोगे ना तो आपका बिल आएगा 10,000 से 30,000 रुपए एक दिन का। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार ने पैसों के लिए अपने US में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी को भी ऑन सेल रख दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार ने तो ऑयल और गैस के प्राइसेस भी 75% तक बढ़ा दिए, जिसके बाद वहां कुछ ऐसी हालत हो गई। और जब इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए खाने पर सब्सिडी दी गई तो सिचुएशन सुधरने के बजाय बद से बदतर हो गई। ये देखो, एक बोरी आटे के पीछे खाइबर में लोग इतने पागल हो गए हैं कि एक दूसरे को गटर में तक ढकेल दे रहे हैं। इनफैक्ट ऐसी भागदौड़ में कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है, जैसे कि ये 45 इयर्स के खाइबर रेसिडेंट। पाकिस्तान में बेसिक चीजों की कमी की वजह से जनता में गुस्सा इतना बढ़ गया कि रिसेंटली उन्होंने खाने के ट्रक पर ही अटैक कर दिया। लेकिन जैसे तैसे करके उस ट्रक के ड्राइवर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस में शरण ली और अपनी जान बचाई। और चाय का इम्पोर्ट बिल कम करने के लिए तो एक मिनिस्टर ने लोगों को चाय पीने से ही मना कर दिया। मिनिस्टर्स के हिसाब से अगर पाकिस्तान को डूबने से बचाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा मजबूरन। और ये सब देखकर पीएम शहबाज शरीफ भी अपनी शर्मिंदगी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे एक न्यूक्लियर पावर स्टेट को दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना शोभा नहीं देता। आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कश्मीर। पाकिस्तान के पास एक्चुअली कोई और रास्ता ही नहीं है। और इसीलिए जहां एक तरफ पाकिस्तान के पीएम चाइना के सामने हाथ फैला रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर सऊदी से। पर क्या इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई देश पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा? वेल, चाइना तो नहीं। सो पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के $30 बिलियन के कर्जे में। इनफैक्ट पाकिस्तान के टोटल लोन का 30% तो चाइना से ही आया है। और ब्लूम्सबर्ग के अनुसार यही रीजन है कि चाइना फिर से पैसा देने के लिए झिझक रहा है। लेकिन लकीली सऊदी ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का एड दिया है और आज के तारीख में पाकिस्तान उसी पर सर्वाइव कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का आखिरी रिसोर्ट है IMF। But did you know, पाकिस्तान पिछले साल से ही IMF को हेल्प के लिए काफी रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को बार बार रिजेक्शन ही मिल रहा था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान IMF की सभी शर्तों को फॉलो नहीं करना चाह रहा। देखो, IMF से लोन लेने के लिए ना कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें ये सब आते हैं। बेसिकली सरकार को अपनी इनकम बढ़ानी होती है और खर्चा कम करना है। पर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन तो ऐसी है कि अगर उसने टैक्सेस बढ़ाए तो लोग भूखमरी से मर जाएंगे या सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे, और अगर नहीं बढ़ाए तो इकोनॉमी डूब जाएगी। इन शॉर्ट, पाकिस्तान का कोलैप्स इनएविटेबल है और पाकिस्तान के पास एक्चुअली इस सिचुएशन में कोई और रास्ता भी नहीं है। और इसीलिए स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आयशा घोष पाशा के हिसाब से पाकिस्तान IMF के कंडीशंस को पूरा करने के लिए अब तैयार है। पर ताजुब की बात तो ये है फ्रेंड्स कि जो इकोनॉमी कुछ सालों पहले तक काफी डिसेंट कर रही थी और अच्छी गति से ग्रो भी हो रही थी, वो अचानक से ऐसे क्राइसिस में कैसे आ गई? वेल, इसके पीछे के वन ऑफ द मेन रीजंस में से एक है फ्लड्स। जून 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक लगातार 4 महीने पाकिस्तान में भीषण बाढ़ आ रही थी, जिस वजह से इकोनॉमी को $30 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा। इन फ्लड्स की वजह से देश में एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ गया और फूड प्राइसेस बढ़ने लग गए। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके एग्जैक्टली 1 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में गरीबी 64% से 21% तक नीचे आ गई थी। लेकिन अचानक से हालत इतनी बिगड़ गई कि आज के तारीख में 9 मिलियन लोग अब कभी भी गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने सिचुएशन सुधारना तो दूर, डैमेज को रिवाइव करने के बारे में भी नहीं सोचा है। इट्स शॉकिंग कि आज भी फ्लड अफेक्टेड एरिया में से 25% जमीन पानी के नीचे है। और अब अगर जमीन ही नहीं होगी तो खेती किस पर होगी? और इसीलिए अब तक पाकिस्तान में कल्टीवेशन रुका हुआ है।
यानी 25% जमीन पर फूड प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। खैर, पाकिस्तान के कोलैप्स के पीछे का दूसरा रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर। ये तो आपको पता ही होगा कि इस वॉर ने वर्ल्ड ओवर ऑयल इंपोर्ट्स और ऑयल प्राइसेस दोनों को ही डिसरप्ट कर दिया था। ऐसे में पाकिस्तान भी नहीं बच पाया, क्योंकि तेल के साथ साथ पाकिस्तान यूक्रेन से वीट भी इंपोर्ट करता था। इनफैक्ट वो यूक्रेनियन वीट का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, पर ये इंपोर्ट अचानक से बंद हो गया, जिसकी वजह से वहां पर हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। अब फ्रेंड्स, किसी भी देश की जनता के लिए ओनली होप होती है उसकी गवर्नमेंट, पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने सिचुएशन को 10 गुना और खराब कर दिया है। इतना इंटेंस सिचुएशन होने के बावजूद भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस अब भी पॉलिटिक्स और पैसों पर है। पाकिस्तानी किसान इतिहाद पीकेआई के प्रेसिडेंट के अनुसार सरकार को एक साल से दिख रहा था कि देश में अनाज की कमी हो रही है, पर फिर भी इन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया, और इसीलिए आज सिचुएशन इस कदर हाथ से निकल चुकी है कि लोग रोटी तक के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, इस पैंडेमिक के बाद ना बहुत सारे देशों ने मार खाया, और एक नहीं बल्कि 104 ऐसे कंट्रीज है जो लिटरली बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गए। अगर आपको जानना है ये कौन से कंट्रीज है और क्यों इनके हालात खराब है, तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया जो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना, बस यूज करो मेरा कूपन कोड freedom60, आपको मिल रहा है 60% ऑफ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।